रोज निकलते हैं घूमने के लिए। हाँ तो ऐसा ही निकले घूमने के लिए, पीछे से चैन खींच लिया, कंप्लेन करने आए हैं। अरब लोग कितने लोग थे? अटल पर था ना, वहीं पर झपटा है और भाग गया। हाँ झपटा देखे ना, पीछे क्रोच भी लगा हुआ है, चोट आ गया है। हाँ पीछे देखिए तो। सावधान रहें, होशियार रहें, सतर्क रहें, इसलिए राजधानी पटना में विधायक की बीवी के गले से सोने का चैन छीन लिया जाता है तो आम आदमी की क्या सूरत हाल होगी, इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। शुक्र मनाइए कि उस विधायक की पत्नी पर अपराधियों ने गोली नहीं चलाई और सिर्फ चेन छीन करके वहां से फरार हो गए। ये राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं सुधा यादव, उनकी पत्नी मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, अपराधियों ने मौका मुनासिब समझा और उनके गले से सोने का चेन छीन करके फरार हो गए। राजधानी पटना में कई सारी ऐसी वारदातें हुई है जिस पर पुलिस अभी तो इंक्वायरी कर रही है, गिरफ्तारी का मामला तो दूर की बात होगी, लेकिन आज के इस वाकया का तस्करा हम आपको कर दे रहे हैं कि राजद विधायक की पत्नी से ही छिनताई हो गई। अटल पथ पर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। समय था, मॉर्निंग वॉक पर वो निकली थी सेहत बनाने के लिए, लेकिन उनको पता क्या था कि सेहत जब निकलने सड़क पर निकल रही थी वो मॉर्निंग वॉक के लिए। इसी दौरान अपराधियों ने देखा भी नहीं कि विधायक की पत्नी है या आम है, उसको लूटना था, उसने लूट लिया। विधायक की पत्नी का नाम रिंकू देवी है और उनके ही साथ छिनताई की घटना हुई है। सचिवालय थाना ने इस घटना की पुष्टि भी कर दी है और मामला भी दर्ज अब तक नहीं हुआ है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जहानाबाद विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुधा यादव की पत्नी रिंकू देवी ने इस मामले में बताया है कि वो रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। आर ब्लॉक गुलंबर के पास जब वो अटल पथ की ओर जाने के लिए रोड क्रॉस कर रही थी, बाइक सवार दो बदमाश उधर से आए और गले से चेन छीन करके वो निकल गए। हालांकि इस दौरान गर्दन के पिछले हिस्से में चोटें भी आ गई। हैरानी की बात यह है कि छिनताई की घटना के बाद भी बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो इतनी चाक चौबंद है कि अब तक निशानदेही तक नहीं हुई है और वहां पर पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस को भी भनक तक नहीं लगी कि बगल में ही, हालांकि वीआईपी इलाका ये कहा जा रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल पहले भी उठे, आज भी सवाल उठ रहे हैं, नेता विपक्ष ने भी उठाया, लेकिन सवाल किसी आम या खास नागरिक का नहीं है। राजधानी पटना में पौष इलाका हो, जहां सारे विधायक मंत्री का इर्द गिर्द आवास हो, वहां पर विधायक की पत्नी से अगर कोई चेन खींच करके भाग रहा है तो इसका मतलब ये साफ है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है, पुलिस का खौफ उनके दिल में नहीं है। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।